नवी मुंबई में 19 मई 2021 को 131 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ एक्टिव केसों की संख्या गिरकर अब 2220 तक पहुंच चुकी है। कोरोना टेस्टिंग, बता दें कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की आज की संख्या 2084, रिपोर्ट प्रलंबित 1885। ऑल इज वेल, आज नवी मुंबई शहर के लिए ऑल इज वेल ये रहा कि 176 कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना मुक्तों को डिस्चार्ज कर दिए गए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा 93,019 और इसी के साथ डिस्चार्ज मरीजों रिकवरी रेट 96.1% दर्ज किया गया। दुखद घटना, आज नवी मुंबई शहर में कोरोना संक्रमण से 9 लोगों की मौत के साथ कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा बढ़कर 1529 तक पहुंच चुका है। तो इसी के साथ डिस्चार्ज मरीजों की संख्या में शामिल है 83 महिलाएं और 93 पुरुष। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल हैं बेलापुर से 24 महिलाएं, 17 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। निरुल से 8 महिला, 19 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। वाशी से 12 महिलाएं, 16 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए। तुर्बे से 4 महिलाएं, 10 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। कोपेखेड़ने से 8 महिला, 9 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। घनसोली से 13 महिलाएं, 7 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। ऐरोली से 13 महिलाएं, 14 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए और दीघा से 1 महिला 1 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आज नवी मुंबई में क्या रहा कोरोना का ग्राफ। बता दें कि बेलापुर में 18 महिलाएं, 17 पुरुष मिलाकर कुल 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। निरुल में 7 महिलाएं, 10 पुरुष मिलाकर 17 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। वाशी में 6 महिलाएं, 11 पुरुष मिलाकर 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तुर्भे में 6 महिलाएं, 5 पुरुष मिलाकर 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। कोपेखेड़े में 2 महिलाएं, 8 पुरुष मिलाकर 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। घनसोली में 6 महिलाएं, 12 पुरुष मिलाकर 18 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। एरोली में 13 महिलाएं, 9 पुरुष मिलाकर 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि दीघा में 1 पुरुष यानी कि कुल 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।